आजकल के बदलते मौसम में खांसी एक बड़ा कॉमन सा सिम्टम है, तकलीफ है जो बहुत लोगों को परेशान करता है। खांसी कई किस्म की होती है, कुछ तो साधारण होती है जो कि धुएं से या मौसम बदलने के कारण ही होती है, लेकिन कई बार जो खांसी है किसी महत्वपूर्ण बीमारी को भी बीमारी का कारण भी होती है। खांसी के कारण ऑफ कोर्स कई होते हैं, इन्फेक्शंस, एलर्जीज या लंग्स की कोई और बीमारी। ये बड़ा ज़रूरी है कि वो कारण जाना जाए खांसी का, क्योंकि तभी अप्रोप्रिएट जो होती है जो ट्रीटमेंट उसकी हो सकती है। खांसी सूखी या ड्राई भी होती है, कई बार खांसी के साथ बलगम आती है जिसका मतलब है कि खांसी जो लंग्स में कोई इन्फेक्शन है। जितनी ज़्यादा बलगम हो, जितनी पीली हो, जिसको पुरुलेंट स्पुटम कहते हैं, या खून आ रहा हो खांसी में, तो वो सर्टनली इम्पोर्टेंट है और उसको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि उसका क्या कारण है। अगर खांसी प्रसिस्ट करती है, ठीक नहीं होती रूटीन कफ सिरप से, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि उसका जो कारण है उसे ढूंढा जा सके और उसके हिसाब से इलाज किया जा सके।